आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयर डिफेंस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे 6 मार्च 2023 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, UPSC, रेलवे या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या आपके स्टेट पुलिस की जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे BSF, असम राइफल्स, किसी भी एनी अदर डिफेंस जॉब को ले लो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो दोस्तों करंट अफेयर से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करके आज लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इंक्लूड हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 25 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 1 मार्च को। तो दोस्तों कब मनाया गया है, यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर मालूम रहता है तो आप हमें कमेंट किया करिए दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस बी राइट हो जाएगा, 27 फरवरी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की और इसका देख ले दोस्तों, यहाँ पर आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिख दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ शुरू हुआ है, ऑप्शंस है यहाँ पर, ऑप्शन ए कोलकाता, भोपाल, बीकानेर, नोएडा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली 1202 उपमंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, रूस, UAE, जापान या अमेरिका। तो जो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यदि आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, UAE हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो कहाँ दोस्तों आयोजन किया गया है, लद्दाख, महासिमराम या फिर दोस्तों जम्मू या फिर गुवाहाटी? तो जो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर जम्मू हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से PDF और डिटेल में इसको देख सकते हैं और इसका नोट भी बना सकते हैं, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बनते हैं। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंक्लूड कर लीजिए अपने इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में। ऑप्शंस देखते हैं, गुजरात, केरल, कर्नाटक, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड,
देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएई या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, असम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस, भारत, अफगानिस्तान या भूटान। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन, यदि आप लोगों को आंसर मालूम रहता है तो कमेंट कर दिया कीजिए। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों सिक्किम, असम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको आंसर जानने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया है, तो देख लीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों को बता दो कि मॉर्निंग में सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर हमारे चैनल के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेजर्ट फ्लैग 8वां अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपके ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। और ऑप्शंस देख लेते हैं, रूस, ए, यूएई, ओमान, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहाँ पर यूएई राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है, सुंदर राजन, हरिबाल कृष्णन, शैलेश पाठक या फिर दोस्तों मेघना अहलावत। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शैलेश पाठक राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य देवव्रत, हरिबाल कृष्णन, चेतन भगत और उसका लास्ट आंसर दोस्तों, लास्ट ऑप्शन सलमान खुर्शीद। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चेतन भगत राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर चेतन भगत नहीं है, हरिबाल कृष्णन राइट हो जाएगा, चेतन भगत किसी और का आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सिक्किम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहां पर मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या देने वाले हो दोस्तों अपकमिंग एग्जाम, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शंस दिए गए, डेनमार्क, इजराइल, जर्मनी या डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क डबल हो गए। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डेनमार्क राइट हो जाएगा। दोस्तों डेनमार्क दो जगह है, डेनमार्क राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो अजनाला, अमृतसर, हैदराबाद या आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यहाँ पर हैदराबाद राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 का कैंपेन लॉन्च किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट करिए और अपने सभी साथियों तक यह वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एमपीटी कर लीजिए दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमेरिका राइट हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है। तो दोस्तों कहाँ शुरू हुआ है, ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर, गुरुग्राम, दिल्ली, नवी मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नवी मुंबई राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपीटी कर लीजिए। और इसका जो ऑप्शंस देख लेते हैं, ओडिशा, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यहां पर ओडिशा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देख लेते हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया राइट हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दानिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रांस, कनाडा, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया राइट हो जाएगा दोस्तों। इंडिया हमेशा राइट ही रहता है, याद रखिएगा हर बेसिस पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्साकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भूलना नहीं मत, आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्पेन, बेलारूस, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, बेलारूस राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में इन्वेस्ट करेगी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक में इन्वेस्ट करेगी दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था। तो ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों, अमेज़न पे, फोन पे, गूगल पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमेज़न पे हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 10वां, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यूक्रेन, पाकिस्तान, ईरान। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ईरान पर लगाया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए BPCL, ऑप्शन बी HPCL, ऑप्शन सी गेल के साथ या ऑप्शन डी दोस्तों ONGC के साथ। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन
सीर राइट हो जाएगा दोस्तों गैल के साथ, किया है याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब मनाया गया है। ऑप्शन बी 4 मार्च को मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां युवा उत्सव की शुरुआत किया हुआ है दोस्तों। तो हमारा जो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आईआईटी रोपण राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में प्रामेरिक लाइफ इंश्योरेंस किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है दोस्तों, प्रामेरिका है वो दोस्तों, तो किसे नियुक्त किया है, जिष्णु बरुआ को, पंकज गुप्ता को, या फिर प्रमिला जयपाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, पंकज गुप्ता राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और कहाँ हुआ है दोस्तों। तो आप लोग ये ऑप्शन नंबर सी है राइट हो जाएगा, कोटा राइट हो जाएगा। और यहाँ आप लोगों के लिए 2 चार्ट और एक्स्ट्रा दिया हूँ मैं, कुवैत के युवराज ने रवि आरओ को किसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, शेख अहमद नवाफ अल सबा को नियुक्त किया है, ऐसे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। और किस टीम ने मेघालय को हराकर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीतने के अपने 54 साल के इंतजार को खत्म किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर कर्नाटक दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, उन लोगों को बता दो कि डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपके करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर PDF को डाउनलोड कर लो और अच्छे से डिटेल्स के साथ देखो और अपना नोट बना लो, और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। यदि कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। और हमारे दोस्तों चैनल पर गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन भी बताया जाता है, तो लास्ट तक वीडियो को देखा करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।